हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और जैसे कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया, यानी एक साल में आपके कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और कौन कौन से डेट पर एग्ज़ाम होंगे सभी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो भी मेरे भाई बहन तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे? जब तक स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा आपका। और तैयारी स्टार्ट भी करना है तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है। अगर आप घर का भी निर्माण करते हैं तो बोला जाता है कि आपका नींव मजबूत होना चाहिए। जितना आपका नींव मजबूत होगा उतना घर मजबूत और शानदार बनता है। उसी तरह से आप अगर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, एसएससी का जो भी सब्जेक्ट है, आपका बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक नॉलेज क्यों ज़रूरी है? एग्जामिनर जो है अच्छे क्वेश्चन देकर ही अच्छे कैंडिडेट को चुन रहा है। आप सब भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई हो गया है। आपका हजारों में आपके वैकेंसी आ रहे हैं और करोड़ों में आपके फॉर्म गिर रहे हैं। तो अच्छे क्वेश्चन जब तक नहीं दिया जाएगा तो अच्छे कैंडिडेट कैसे चुने जाएंगे? एग्जामिनर को है नौकरी जो है जिंदा दिमाग वाले को मिल रहा है, मरे हुए दिमाग वाले को नहीं मिल रहा है। मतलब जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपका ज़्यादा हाई नहीं आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया जा रहा है, ईजी को डिफिकल्ट बना दिया जा रहा है। और जो उस क्वेश्चन के वो अंदर की चीज़ों को समझ सकता है वही उसको हल कर सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें आप बहुत ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए। इसलिए बेसिक को ध्यान में रखते हुए मैं जो है आप लोग को एक बेसिक क्लास फॉर बेसिक क्लास व बिगनर स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जैसे जैसे हमको समय मिलता जाएगा वैसे वैसे और भी सब्जेक्ट में आपको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वीडियो को आप देखिएगा तो सिर्फ आप देखकर मत रख दीजिएगा, क्योंकि देखा हुआ चीज़ आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। आप उसको लिख लीजिएगा, आप उसको राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट किया हुआ चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहता है। किसके अपेक्षा? देखे हुए की अपेक्षा आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए लिख करके आप नोट कर लीजिएगा। करते हैं हम लोग बेसिक क्लास फॉर बिगनर एस्पिरेंट। आज का क्लास होगा एडिशन के ऊपर, जोड़ के ऊपर। एडिशन कितने तरीके से होते हैं? तो एडिशन जो है आपका सिंपल एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता है, एडिशन ऑफ डेसिमल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल एडिशन को हम लोग साधारण जोड़ बोलते हैं। ये आपका नंबर लिखा हुआ रहेगा, वंस टेंस नंबर लिखा हुआ रहेगा, वंस टेंस 100 हो सकता है, वंस टेंस 1000 हो सकता है, वंस टेंस 100,000 10,000 हो सकता है। सबको यूज करना होता है, सबको ऐड करना होता है, वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, 100 को 100 के साथ, ये आपको कर सकते हैं। इस तरह किसको कैसे करेंगे? देखिए वंस टेंस दिया हुआ, वंस टेंस यहां भी है, वंस टेंस यहां भी है, तो वंस को वंस के साथ करते हैं हम लोग। 2 और 6 8 हो गया, 8 और 4 कितना होता है 8, 4 12 का 2 लिख देते हैं, कैरी 1 आ जाएगा। फिर टेंस को देखते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 कितना 9 हो गया, और कैरी 1 था 10 हो जाएगा। ये आपका हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। एक और दिया हुआ, यहाँ वंस टेंस 100 है, यहाँ भी वंस टेंस है, यहाँ वंस टेंस 100 है, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से क्या करते हैं, वंस को वंस के साथ, चीज़ों को इतना सिर्फ याद रखिए, वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, 100 को 100 के साथ। ठीक है, वंस को वंस के साथ देखिएगा, ये 3 है, 8 और 3 कितना 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 11 और 2, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा आपका। फिर टेंस में देखते हैं, 2 है और 8 6 है, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 3 कितना 11, 11 और 1 कितना होगा 12 का 2 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ भी आ जाएगा। अब 100 देखते हैं कितने में है, 100 यहाँ पर 5 दिख रहा है, अब यहाँ पर 101 दिख रहा है, यहाँ तो 100 नहीं है, यहाँ तो सिर्फ टेंस तक दिया हुआ है, तो जिस जिसमें 100 दिया हुआ है उसको उसको ऐड करेंगे, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और कैरी एक था ना तो 7 हो जाएगा, ये आ गया 723। इसको ऐसे कर सकते हैं। ये तो था सिंपल एडिशन। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसको भिन्न का जोड़ बोलते हैं। ये भी आपका तीन पार्ट में, तीन टाइप्स इसके होते हैं। कौन कौन से? तो फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस होता है, फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेस होता है, और फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस का मतलब होता है जिसका आधार जो है समान होता है। आधार और बेस का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये देखिए आपका लिखा हुआ है, ये आपका भिन्न में जो है फ्रैक्शन में आपका बनाया हुआ है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसी डिनोमिनेटर को ही क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। डिनोमिनेटर ही क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो जिसका डिनोमिनेटर जो है, जिसका बेस जो है सेम हो, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमिनेटर को सिर्फ ऐड कर दीजिएगा। न्यूमिनेटर में जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको आप ऐड कर दीजिएगा एज इट इज, जैसे दिया
किया हो वो वैसे आपको ऐड कर दीजिएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि सेम बेस बेस जो है सेम है ना, उसका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर तो अलग अलग दिख रहा है पर डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ एक से एक नंबर को सिर्फ उठा कर रख दीजिएगा, यह आपका 8/7 हो जाएगा। ठीक है, समान आधार का बिना आपको समझ में आ गया। इसी तरह से एक पूर्णांक वाला को भी कर सकते हैं। पूर्णांक में क्वेश्चन को कैसे करना है, पूर्णांक वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, तो पूर्णांक में जब भी दिया हुआ रहेगा तो देखिएगा, जो भी पूर्णांक में दिया हो उसे पूर्णांक वाले नंबर को उठाकर पहले साइड कर दीजिए, पूर्णांक वाले नंबर को पहले जोड़ दीजिए। 7/2 कितना हो जाएगा, तो 7/2 को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या है, अब बच गया भिन्न, बच गया मतलब कि क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन बच गया। 3/4 इसका बच गया, इसका 6/4 बच गया। तो 3/4 और 6/4 में देख रहे हैं जो बेस है यहाँ सेम यहाँ आ रहा है, बेस जो है यहाँ भी सेम आ रहा है, तो यहाँ न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 6/3 कितना हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, और बेस सेम रहता है तो एक बेस को उठा कर रख देंगे। ठीक है, एक बेस को उठा कर रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे, तो कह सकते हैं कि 9/9/4 इसका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला है आपका फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेस। फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेस का मतलब है, ये देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ आधार का भिन्न बोलते हैं, मतलब जिस ऐसा भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो है बेस जो है कॉमन हो, बेस हो कॉमन हो। ठीक है, कॉमन का मतलब है देखिए 5 और 10 में, 5 और 10 में कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन है, इस 10 में जो है 5 तो कॉमन है ना, तो क्या कह सकते हैं इसको, फ्रैक्शन ऑफ हम लोग कॉमन बेस कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो जो भी आपका देखिए बड़ा हुआ नंबर दिख रहा है ना, बड़ा जो नंबर दिख रहा है उसको सेकेंड वाला जो छोटा नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करके इक्वल बेस बना लीजिए। क्या बना लीजिए, इक्वल बेस बना लीजिए। जब आप इक्वल बेस बना लीजिएगा तो इस आपका आधार पर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो इक्वल बेस कैसे बनेगा, ये आपका दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, इसको 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बेस है बेस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 होता है। जब नीचे बेस में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी ऊपर में भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही नियम है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, 5 × 2 = 10 हो गया। अब देखिए 6/10 ये आया और ये वाला दिया हुआ 5/10, तो 6/10 5/10 जब अगर बेस सेम आता है तो इसी नियम में आ गया ना, ये इसी नियम में ये आ गया, तो हो जाए कितना, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 6 और 5 कितना हो गया, 6/5 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1/10 को उठाकर रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 11/10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं पूर्णांक वाले भी वैसे ही करना है। पूर्णांक वाले को पहले ऐड कर दीजिए आप, पहले ऐड करके उस भैया को साइड कर दीजिए। तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 6 और 2 को ऐड कर दिए तो 8 हो जाएगा। अब जो भी दिया हुआ है पूर्णांक के बाद, अब जो दिया हुआ फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/7 दिया हुआ है, 4/21 दिया हुआ है, तो इसमें देखिएगा तो बड़ा नंबर कौन सा है, कॉमन पार्ट दिख रहा है तो 7 कॉमन है, कॉमन 7 है। ठीक है, और बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 21 है, तो इसको क्या बनाना है, 21 बनाना है। इसके आधार को, इसके बेस को हम लोग, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बनाना है, बेस सेम टू सेम बनाना है, मतलब 21 बनाना है। इस 3/7 को, इस 3/7 है इसको 21 बनाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/21 हो जाएगा। ये 9/21 हो गया, तो ये 9/21 हो गया, ये 4/21 हो गया, तो आ गया सेम बेस ना, सेम बेस आता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में एक जो उठा कर रख दीजिए। तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 9/4 कितना होता है, तो 9/4 = 13 होता है, डिवाइडेड बाई कितना रख देंगे, एक जो है देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को एक उठा कर यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया 8/13/21। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस। ये डिफरेंट बेस है, ये आपका कॉमन बेस था, ये आपका सेम बेस था, ये आपको डिफरेंट बेस है। डिफरेंट बेस का मतलब हो जिसका आधार जो है, इसका डिनोमिनेटर जो है अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 4/7 + 8/9 तो क्या करेंगे, जो भी आपका आधार दिया हुआ, बेस दिया हुआ है, उसको आप एजिट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 9 कर देंगे, 4 × 9 कर देंगे, मतलब कि जो भी दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 9 = कितना होता है, 4 × 9 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि
136 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है, अब गलती करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं, इसको बोलते हैं कैंचिया गुना बोलते हैं, ठीक है। इसको आप गुना कर दीजिए, 9 7 कितना, 9 7 कितना होता है, तो 9 7 63 होता है, और प्लस कर देंगे, और ये देखिएगा इसको इससे करते हैं, 4 8 कितना होता है, 4 8 32 होता है, और इसको इसको ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 85 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। ये ऐसे करके निकालना है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इसी तरह से आपका ये पूर्णांक वाला है, पूर्णांक वाले काम को पहले आप कर दीजिएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, तो 5 और 3 को ऐड कर दिए, जो भी पूर्णांक में नंबर दिया हुआ रहता है उसको पहले आप ऐड कर दीजिए। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को साइड कर दीजिए आप, 8 को साइड कर दीजिएगा। अब उसके बाद बचा हुआ क्या बचा हुआ है, 2/7 बचा हुआ है और 4/9 बचा हुआ है, तो 2/7 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, 4/9 बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो दिख रहा है बेस ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 कितना होता है, 63 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। 9 2 अब यहाँ पर कैंचिया गुना कर दीजिए, है ना, कैंचिया मल्टीप्लाई करने के लिए 9 2 18 हो गया, और प्लस का साइन देंगे, 7 4 32 हो जाएगा। इसको इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो 32 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना, 32 और 18 है ना, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा 63, 50 और ये 8 बचा हुआ है ना, इसको मतलब पूरा क्या लिख सकते हैं, 8/50/63 हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया। सेम बेस क्या होता है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेस क्या होता है, और फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस क्या होता है, चीज़ें समझ में आ गई, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, एक और बचा हुआ है ना हम लोग का, एडिशन ऑफ डेसिमल क्या बचा हुआ, ठीक है, दशमलव का जोड़ कैसे करेंगे। देखिएगा दशमलव का जोड़ हम लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2.46 पॉइंट के बाद, देखिए रीडिंग भी कैसे करते हैं हम लोग, 2.46 पढ़ते हैं प्लस 4.29 हो गया प्लस है ना 0.62 हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस पर सिर्फ आपको फोकस करना है, पॉइंट पर फोकस करना है, पॉइंट को आप स्थिर रखिएगा, जैसे एक ही जगह पर रखिएगा तो आपका ये बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से कि पॉइंट की जो है लेफ्ट साइड में 1 डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में 1 डिजिट है, राइट साइड में 2 डिजिट है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में 1 डिजिट है और राइट साइड में 2 डिजिट है, ठीक है, इस पर फोकस रखिएगा। तो पॉइंट को आप स्थिर रखिएगा, पॉइंट को एक जगह रखिएगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में 2 रख दीजिएगा, राइट साइड में कितना है, 4 6 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आए, जैसे हम लोग ऐड करते हैं बचपन में, जैसे ऐड करते थे उसका इस्तेमाल यहाँ करना है, 4 पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, तो पॉइंट को पॉइंट सेकेंड नंबर को लिखने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे। अब उसके बाद लेफ्ट साइड में हम लोग कौन सा नंबर है तो 4 लिखेंगे, और राइट साइड में 2 डिजिट नंबर है, 2 और 9 लिखा हुआ है, 2 और 9 को राइट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर चलते हैं, लेफ्ट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में पॉइंट के नीचे पॉइंट दे देंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में 2 डिजिट है ना, तो 62 है, अब 62 को रख दीजिए, अब इसको ऐड कर दीजिए, अब क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 6 9 15 और 15 2 कितना होता है, 17 7 कैरी 1 आ गया, 4 2 6 और 6 6 12 12 1 कितना, 13 3 यहाँ भी आ गया, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट दे देंगे, और 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको अलग अलग आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा, अलग अलग पॉइंट करने का मतलब है कहीं आपका लेफ्ट साइड में 2 डिजिट मिलेगा, कभी कभी आपको लेफ्ट साइड में 1 डिजिट मिलेगा, कहीं 3 डिजिट मिलेगा, तो सिर्फ पॉइंट पर फोकस करना कैसे बनेगा। देखिएगा ये मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए क्या कैसे करेंगे इसको हम लोग, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड में 1 डिजिट है 0 रख देंगे, राइट साइड में 1 डिजिट है 9 को रख देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं उतार रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दीजिए आप, लेफ्ट साइड में कितना नंबर है, 2 डिजिट है, 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 ऐसे लिखेंगे, 2 और 3 है ना, ये इसके नीचे नंबर 1 ही आना चाहिए, है ना, ऊपर नंबर 1 है तो उसके नीचे 1 ही नंबर आना चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको बाहर निकाल दीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं, 23 पॉइंट कर दिया, 5 लिखा हुआ, पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट रख देंगे। आगे है दिया हुआ कि पॉइंट के नीचे आप पॉइंट दे दीजिए, और लेफ्ट साइड में देखिएगा 3 डिजिट है, लेफ्ट साइड में 3 डिजिट है, 712 है, तो 7 तो यहाँ लिखाएगा, 1 यहाँ लिखाएगा, 2 यहाँ लिखाएगा, ठीक है। अब राइट साइड में 1 डिजिट है, राइट साइड में 1 डिजिट को रख देंगे, ठीक है। अब इसको इक्वल करने के लिए, इक्वल नहीं भी करेंगे तो आप सीधा सीधी आपको ऐड कर दीजिए, जैसे दिया हुआ आप उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप सुविधा के अनुसार अगर इक्वल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 0
जीरो यहाँ पर बैठा करके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वल हो गया, अब तो आपको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 6, 5, 11, 11 और 9 को ऐड करेंगे, 20 का जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट दे देंगे, कैरी कितना 2 आ जाएगा, 3, 2, 5 और 2, 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 और 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 का 7 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये देखिए आपका 737 आ गया, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कह सकते हैं 737 ये आपका आंसर निकल करके आ गया। ये आपका था एडिशन ऑफ डेसिमल, ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन था, ये आपका सिंपल एडिशन था। उम्मीद करता हूँ कि एडिशन का क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कल मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा सिर्फ सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन चीज़ें कैसे करेंगे मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं तो आप मैथ का कोई भी बुक जो है आप मार्केट से उठाइए, अब जो है आपका स्टार्टिंग मतलब जो भी एडिशन है एडिशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना एडिशन करेंगे आपका जो है उस पर पकड़ मजबूत बनेगा तभी आप जल्दी जल्दी आपका माइंड काम करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको सबको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सभी भाइयों बहनों तक पहुँचा दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।